नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। सबसे पहले मैं बहुत खुश हूं कि आज प्रेम ग्रंथ की मुहूर्त में आई हूं और अजय जी के साथ, जिनके साथ मैंने बहुत सारी फिल्में किया है, वंस मोर हम लोग एक साथ आ रहे हैं और वो भी सुधीर जी के साथ। ही इज आई थिंक आपका फर्स्ट फिल्म होगा, ही इज डेब्यूटिंग इन दिस फिल्म, सो आई एम वेरी हैप्पी कि आपके साथ मैं कास्ट हुई हूँ। नहीं मैम, अरे किसी भी आर्टिस्ट के लिए सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इट हैज़ अ सुपर्ब स्टोरी और एंड एज यूजुअल अजय जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। सो डेफिनेटली मैं इस फिल्म के लिए जब मेरे पास ऑफर आया तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और अभी मन हो रहा है लाइक कब ये स्टार्ट करेंगे। और इतना अच्छा सेटअप है, हमारे मतलब सारे दिग्गज लोग आई थिंक इसमें हैं। छोटे बाबा सर आप कहाँ हैं? हाँ, अमेजिंग म्यूजिक देते हैं और भोजपुरी में सबको पता है कि म्यूजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसको फिर कोरियोग्राफ करेंगे हमारे पप्पू खन्ना सर, आइए। तो हाँ, तो मास्टर जी के साथ भी मेरी शुरुआत भोजपुरी में पप्पू खन्ना सर के साथ पहली बार हुआ था भोजपुरी में, तो अभी फिर से मौका मिल रहा है। सारा सेटअप सुपर्ब है, तो आई थिंक वी आर गोइंग टू रॉक। मैं तो बहुत सारे न्यू कमर्स के साथ, मतलब न्यू कमर्स को इंट्रोड्यूस की हूँ, पहले भी की हूँ, सो नथिंग न्यू अबाउट दिस। तो मैं तो खुश हूँ कि मेरे साथ लोग इंट्रोड्यूस होते हैं और फिर बाद में सुपरस्टार भी हो जाएंगे और तब शायद हमें भूल जाएंगे। आई थिंक जब ना इस साल तो अभी तक कोई फिल्म का मैंने किया नहीं है, जो पहले कर चुकी थी वही है। आई थिंक जय श्री राम इज़ गोइंग टू रिलीज़, नथुनिया पे गोली मारे 2 वो आ रही है और कौन सा, हाँ संजोग आ रहा है। काफ़ी सारी फिल्में हैं जो मतलब पहले के किया हुआ था और बिग बॉस एंड उसके बाद नच बलिए में तो हम लोग चैनल में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, सो मैं कॉन्ट्रैक्ट में भी थी तो मैं ज़्यादा भोजपुरी फिल्में नहीं कर पाई, तो जो पहले की फिल्में हैं दोज आर गोइंग टू रिलीज वेरी सून। रोमांटिक है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म रोमांटिक होगी और किसी नवोदित कलाकार के लिए, नए एक्टर के लिए ये टाइटल बहुत ही सूटेबल है और मैं इस पूरी टीम को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। जिस तरह से आज ये मुहूर्त हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म भी इसी तरह हिट हो और आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों से ये प्रार्थना करूंगा कि जब फिल्म बने और थिएटर में लगे तो आप ज़रूर जाके इसको थिएटर में देखें, क्योंकि फिल्म का मज़ा जो है थिएटर में बहुत ज़्यादा आता है और बहुत अच्छा इन्जॉयमेंट होता है उसको। तो नहीं, लेकिन कुछ हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हमारे फिल्म में क्या क्या, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शायद अभी आपको खुल के ना बता पाए और हम चाहेंगे कि आप लोग सिनेमा घरों में जाएं और जाकर वहां पर देखें। जी, इस सवाल का जवाब हमारे प्रोड्यूसर साहब और हमारे डायरेक्टर साहब देंगे और उन्होंने कुछ सोच के ही एक ऐसा डिज़ाइन करवाया है, तो इसके बारे में जहां तक मुझसे अच्छा जवाब वही आपको देंगे। सबसे पहले तो मैं पूरी प्रेमगंध की टीम को बधाई दूंगा और सबसे ज़्यादा मैं अपने मित्र सुधीर जी को बधाई दूंगा, ये लॉन्च हो रहे हैं इस फिल्म से, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही अच्छे डांसर हैं, कंप्लीट एक हीरो वाला पैकेज है इनके अंदर और ये आ रहे हैं मार्केट में तो सबको दिखेगा। और साथ में हमारे राहुल भैया भी हैं, बड़े भाई बगल में, और बहुत कुछ भाई मैं लोगों ने बता दिया। मुझे बड़ा भाई बिल्कुल नहीं है वरना मेरी उम्र पता चल जाए। ऐसा कुछ तो नहीं वैसे है। भी जग जाहिर है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो मैं तो तलाश कर रहा हूँ ना, तो अगर आप बता देंगे बड़े भाई तो लोगों को लगे भाई इनका लाइन क्लियर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, एक शुरुआत की हमने तो इस छोटे से काम की, तो अभी प्रेम ग्रंथ का क्या राज है? राज तो ऐसा कुछ नहीं भूषण जी, लेकिन ये है कि एक अच्छी कहानी है, एक छोटे लेके चले हैं तो ये हिंदी फिल्म बनाते भोजपुरी कैसे तुम आ गए? बस थोड़ा सा कुछ अलग हटके करने का विचार था, इसलिए जो है ना
सोचा कि चलो भोजपुरी से शुरुआत की जाए। स्टार कार्ड में सुधीर सिंह और मोना जी हैं, संजय पांडे जी हैं, हस्बैंड है और इनकी फिल्म आ रही है प्रेम ग्रंथ, तो आप लोग भी देख ही रहे हैं कि पोस्टर कितना अच्छा डिज़ाइन हुआ है, तो मैं इनको बधाई देती हूँ कि इनकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो। प्रेम ग्रंथ का हीरोइन मोना लिसा, आपको कभी एतराज़ नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है, और मैं चाहती हूँ ये अच्छे अच्छे हीरोइनों के साथ आए, एक के साथ मेरे साथ ही रहेंगे तो बोर नहीं हो जाएंगे। जी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी फिल्मों में जितना बदल बदल के मैं करूं तो शायद पब्लिक को भी मजा आएगा।